नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉन एक्सप्रेस और मैं आपकी होस्ट अनी शर्मा एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ ढेर सारी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आखिर ऐसा क्या कहा पत्रकारों के लिए। आपको बता दें कि पत्रकारिता के छात्रों को संबोधित करते हुए भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के सत्र 2020-21 को ऑनलाइन माध्यम से उन्होंने उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि अनावश्यक सनसनी और TRP केंद्रित पत्रकारिता के जाल में फंसने की बजाय स्वास्थ्य पत्रकारिता के गुण सीखें और समाज में जो भी कुछ अच्छा हो रहा है उसे भी समाचार मानकर लोगों तक पहुँचाएं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि डिजिटल तकनीक के माध्यम से शिक्षा में हो रहे व्यापक बदलाव का हम सभी को स्वागत करना चाहिए और उसका भरपूर लाभ भी उठाना चाहिए। जी हाँ, ये कहना है हमारे सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी का। अब बात करते हैं पाकिस्तान। जी हाँ, जहाँ पर एक बार फिर से बवाल मच गया है, लेकिन इस बार ये बवाल किसी और बात को लेकर नहीं बल्कि डिजिटल मीडिया को लेकर है। जी हाँ, पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया को लेकर एक कानून के आने से बदलाव की वजह से बवाल मच गया है। इसके चलते गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने धमकी दे डाली है कि अगर इस कानून में बदलाव नहीं किया जाता है तो फिर उन्हें पाकिस्तान से अपना कारोबार समेटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऐलान किया है कि अब उन्हें यहाँ इंटरनेट के कंटेंट पर सेंसरशिप लाई जाएगी। जी हाँ, नियमों को तोड़ने वाली कंपनियों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल ये कानून लाकर इमरान सरकार ने मीडिया रेगुलेटर को कंटेंट पर सेंसरशिप को लेकर ज्यादा अधिकार दे दिए हैं। कंपनियां इस कानून का विरोध कर रही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या ये बात कंपनियों की मानी जाएगी या फिर इमरान सरकार अपनी बात पर अमल करेगी और टिकी रहेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आपको बताते हैं कि हिंदू कॉलेज में राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह के अंतर्गत किताब की जरूरतों के बारे में क्या कहा गया। दरअसल वहां कहा गया कि डिजिटल माध्यम के इस दौर में जबकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से किसी भी बात को कह सकता है, हमारे आसपास अनावश्यक एवं झूठी सूचनाएं इकट्ठी हो गई हैं। ऐसे में प्रिंट माध्यम एक बेहतर विकल्प के रूप में हमारे सामने आता है और इस दृष्टि से पुस्तक अभी भी हमारे लिए ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है। हिंदू कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह के अवसर पर आयोजित वेबिनार में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के हिंदी संपादक पंकज चतुर्वेदी जी ने ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि किताबों का इतिहास भले ही पुराना हो, लेकिन आज भी इसकी बहुत ही मान्यता है और इसका कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि पुस्तकों की महत्वपूर्ण बात यह है कि वो आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक मूल्यों के बीच में संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किताब की जरूरत विषय पर व्याख्यान में चतुर्वेदी जी ने और भी बहुत सारी बातें कही। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। जी हाँ, आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहयोगी कंपनी रिलायंस रिटेल ने फेस्टिव सीजन के दौरान स्थानीय स्तर पर बनाए गए लोकल प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दरअसल रिलायंस रिटेल ने फेस्टिव सीजन में 30,000 से ज्यादा कारीगरों और आर्टिशियंस को अपने साथ जोड़ा। इस दौरान कंपनी ने उन्हें 40,000 से ज्यादा आर्टिसनल प्रोडक्ट्स को ग्राहक तक पहुंचाया। कंपनी ने इन प्रोडक्ट्स को 50 से ज्यादा GI क्लस्टर्स को चुना था। कंपनी की 3 साल पुरानी पहल इंडी बाय AGIO या स्वदेश ने स्थानीय कारीगरों की मदद के लिए ये कदम उठाया। 600 से ज्यादा तरह के उत्पादों को यहाँ इसमें शामिल किया गया। तो हुई ना ये एक बहुत ही बड़ी खबर और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। और अब आपको बता दूं कि देश की सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 5वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि तेल कंपनियों ने आज दिल्ली में जहां पेट्रोल 6 रुपीज पर लीटर महंगा कर दिया, वहीं डीजल भी 16 पैसे पर लीटर में वृद्धि कर दी है। सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल 81.59 रुपीज
पर लीटर और डीजल 71.41 रुपीस पर लीटर तक पहुंच चुका है। अब एक खास बात आपके लिए यहाँ पर लेकर आई। भारत में प्राचीन काल से ही दांतों को साफ करने के लिए परंपरागत तरीका अपनाया जाता है। जी हाँ, ये बात है आपके स्वास्थ्य से लेकर। इसी में से एक है दातुन का इस्तेमाल। दातुन किसी भी खास तरह के पेड़ की पतली टहनी से बना होता है। वैसे तो इसके लिए कई तरह की पेड़ों की टहनियों का इस्तेमाल किया जाता है, मगर नीम, बेर और बबूल आदि से दातुन काफी फायदेमंद माने जाते हैं। आजकल दांतों को मजबूत बनाए रखने का दावा करने वाले अच्छे टूथपेस्ट और हर्बल टूथपेस्ट भी मिल जाते हैं, मगर सभी गुणों से भरपूर दातुन की अलग ही बात होती है, क्योंकि इसके फायदे अनेक हैं। दातुन का एक फायदा बहुत ये होता है कि अपने दांतों को साथ साथ आप अपनी जीभ को भी साफ रखते हैं। ऐसे में आप भी जानिए कि अगर आप नीम का दातुन इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही फायदेमंद होता है, और साथ ही साथ बेर का दातुन भी बहुत ही लाभकारी आपके लिए माना जाता है। तो अगर आप दिन में एक समय भी दातुन का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके दांतों को हमेशा स्वस्थ रखेगा और मजबूत भी रखेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए जो भी जानकारी हम लाते हैं वो बहुत ही कारगर साबित होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारी कोशिश रहती है कि आप तक पहुंचाए। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन इस वादे के साथ कि हम फिर जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सेहाबार, डेली हंट डेली हो। नमस्कार।